सर हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार से दुर्घटना के बाद क्या कड़े कदम जो उठा रही है। देखिए एक प्रकार से ये बहुत ही दुर्दैवी इस प्रकार की घटना है जिसमें बड़ा होर्डिंग यहाँ पर पेट्रोल पंप पर गिरा और नीचे जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां उसमें ट्रैप हुई और कई लोगों को अभी बाहर निकाला जा चुका है और कुछ डेथ्स भी इसमें हुई है। लोग अभी भी अंदर होने की संभावना है। उस संभावना के चलते बहुत ही केयरफुली रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि यहाँ पर काट कर रेस्क्यू करना पड़ता है और पेट्रोल पंप है इसलिए एक बड़ी रिस्क है, इसलिए उसको बहुत सावधानी के साथ जो फायर ब्रिगेड और बाकी सारा विभाग है यहाँ का वो उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है और जब तक आखिरी व्यक्ति को बाहर नहीं निकालते तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलेगा। मूल रूप से जिस प्रकार का ये होर्डिंग था और उसमें किस प्रकार की परमिशन उन्होंने ली थी कि नहीं ली थी ये सारी चीजों की अब जांच होगी और विशेष रूप से इतना बड़ा होर्डिंग जब लगता है तो विंड स्पीड का कोई स्टडी किया था, उसके बारे में कोई विचार किया था कि नहीं किया था, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आवश्यकता होगी तो एक प्रकार से इसमें सदोष लोगों को मारने का जो एक गुनाह है वो भी हम लोग दाखिल कर सकते हैं क्योंकि अगर केयरलेसनेस हमको यहाँ पर दिखाई पड़ी तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को छोड़ने का कारण नहीं है। इस प्रकार से आम आदमी का जीवन एक प्रकार से उसको धोखे में डालना ये बहुत गलत बात है तो इसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात के आदेश दिए हैं कि पूरे मुंबई में जो बड़े होर्डिंग्स है उसका एक प्रकार से ऑडिट कल से बीएमसी शुरू करेगी क्योंकि अभी ये ध्यान में आया है कि बेमौसम जिस प्रकार से तेज हवाएं और तूफानी हवाएं चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार का एक मौसम का जो बदलाव है इसके कारण भी एक खतरा खड़ा हुआ है और ये आज घटना हुई ऐसी घटनाएं हो सकती है इसके मद्देनजर इस प्रकार का खतरा कहाँ का है उसको ढूंढ कर उसको उससे पहले मिटिगेट करना ये भी एक प्राथमिकता हमारी होगी, हम उसका प्रयास करेंगे। होर्डिंग के मालिक कौन थे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली? देखिए वो सारी जानकारी है और उसके ऊपर पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगी। वारंवार आनाजी ग्रुप होर्डिंग का जो है तो देखिए जिसने कोताही की है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी।